तो देखो बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है क्या बॉन्ड पैरामीटर्स तो देखो बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स मींस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉन्ड विच डिटरमाइन इस स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी एंड नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड समझ गए बच्चों कि केमिकल बॉन्ड की नेचर को उसकी स्टेबिलिटी को उसकी स्ट्रेंथ को बताने वाली ऐसी प्रॉपर्टीज जो बॉन्ड से ही पर्टिकुलर रिलेटेड है हम उन्हें ही क्या बोलते हैं बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स देखो ये कौन कौन से हैं एक तो होता है बॉन्ड लेंथ एक है बॉन्ड ऑर्डर एक है बॉन्ड एनर्जी और एक है बॉन्ड एंगल ओके okay, हम इन चारों को डिस्कस करते हैं देखते हैं क्या है ये तो पहला जैसे है बॉन्ड लेंथ तो देखो बच्चों बॉन्ड लेंथ मतलब है कि दो एटम चाहे वो एक ही एलिमेंट के हों चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स के हों जब दो एटम एक दूसरे से इस तरह से बॉन्डेड हों तो इन दोनों बॉन्डेड एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं तो इनके दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो बीच की डिस्टेंस है उसे ही क्या बोला जाता है बॉन्ड लेंथ यही लिखा है कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ ठीक है कि जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही बोलते हैं क्या बच्चों बॉन्ड लेंथ जैसे ये दो एटम हैं ठीक है ये इनके न्यूक्लियस है तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिख रही है ना यही क्या कहलाएगी बच्चों बॉन्ड लेंथ सपोज ये एक एटम है एक ये एटम है और इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देते हैं तो हम जानते हैं कि वो क्या निकल आती है कोवलेंट रेडियस तो इस तरह से ये है बॉन्ड लेंथ अगर होमो एटोमिक मॉलिक्यूल है मीन्स उसके दोनों एटम्स एक से हैं बच्चों तो बॉन्ड लेंथ दोनों की रेडियस का सम हो जाती है जैसे कार्बन की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की है 1.54 तो कार्बन का रेडियस आ गया पॉइंट सेवन ठीक है तो होमो एटोम में, हो, होमो एटोमिक में तो जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों की एटम की को रेडियस के सम की इक्वल है लेकिन अगर हैट्रो एटोमिक मोलिक्यूल्स हो जिसमें ए और बी टाइप के दो अलग अलग एटम्स जुड़े हों जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन तब हमें ये बॉन्ड लेंथ ऐसे निकालते हैं आर ए प्लस आर बी मतलब दोनों एटम की कोवलेंट रेडियस में से ये वैल्यू माइनस कर दी जाती है ऐसा क्यों किया गया बच्चों क्योंकि जब दो अलग अलग एटम्स होंगे तो उनमें इलेक्ट्रो के डिफरेंस के कारण पोलर नेचर आ जाता है मतलब उनमें प्लस माइनस तो एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लगता है एटम्स के बीच में जो उनकी बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है तो ऐसे में जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो एक्चुअली कोवलेंट रेडियस के सम से थोड़ा कम हो जाती है यहाँ पर एक्स से और एक्स भी मतलब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज हैं जहाँ एक्स से हमें लार्ज वैल्यू रखनी होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की और एक्स भी स्मॉल वैल्यू और इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं कोई भी हेट्रो एटोमिक बॉन्ड की रेडियस को या फिर हम उसकी बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने कहा डी एच सी एल तो हम लिखेंगे आर एच प्लस आर सी एल माइनस पॉइंट जीरो नाइन ठीक है एक्स सी एल माइनस एक्स एच जैसे ये होती है पॉइंट थ्री सेवन ये है पॉइंट नाइन नाइन ठीक है ये वैल्यू ऐड कर लो माइनस पॉइंट जीरो नाइन थ्री पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट वन इसको सॉल्व करोगे तो लगभग वन पॉइंट टू सेवन एंग में वैल्यू आ जाएगी तो इस तरह से ये आ गई तो आप देख रहे हैं कि जो एक्चुअल में दोनों की रेडियस का सम आना था उससे थोड़ा कम आएगा ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि पोलर बॉन्ड में एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लगता है एटम्स के बीच में जो रेडियस को कम कर देता है यहां तक बात समझ गए अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स जो दोनों एंड ऐटम्स जो बॉन्डेड हैं उनकी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके अलावा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस या बॉन्ड पोलारिटी के इनवर्जली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्जली प्रोपोर्शनल है मतलब एटम बड़े बड़े हैं तो ध्यान रखें बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी अगर बॉन्ड में पोलैरिटी है तो सीधा दिख रहा है कि पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी बॉन्ड ऑर्डर दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो भी बॉन्ड लेंथ कम होती है देखो यहां देखते हैं एफ टू सी आर टू बी आर टू राइट टू तो यहां पर साइज ऑफ एटम क्या हो रही है बच्चों इंक्रीज होती जा रही है तो इसलिए लेंथ इंक्रीज हो रही है यहां पर अगर हम देखें कि ये जो है बॉन्ड लेंथ लगातार डिक्रीज हो रही है क्यों क्योंकि बॉन्ड पोलारिटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड पोलारिटी मीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है तो इस तरह से बॉन्ड छोटा होता जा रहा है अगर हम यहां देखें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर तो ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी सेम एटम में डबल बॉन्ड और कम ट्रिपल बॉन्ड और कम ठीक है यहां पर अगर हम देखें सी एच सी डबल बॉन्ड और सी सी तो यहाँ डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का नेचर और साइज का इफेक्ट आ रहा है तो एच की साइज बहुत छोटी होती है इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड सी एच सबसे छोटा होगा उससे बड़ा सी डबल बॉन्ड सी और उससे बड़ा सी सिंगल बॉन्ड सी यहां तक बात क्लियर है ऐसे ही अगर आप CO, CO2, CO32- टू थ्री टू माइनस में जाएं, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर का इफेक्ट दिखता है CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है तीन होता है बच्चों CO2 टू का दो होता है CO3 थ्री का वन पॉइंट थ्री थ्री होता है मतलब यहाँ पर अगर मैं इनका बॉन्ड ऑर्डर देख बता दूं, तो ये तो होता है तीन ये होता है दो ये आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री हम आगे हम पढ़ेंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा है बॉन्ड जो है लेंथ बढ़ती जा रही जस्ट ऐसा ही ओ टू ओ थ्री और एच टू ओ टू में ओ टू का बॉन्ड ऑर्डर टू होता है ओ थ्री का कम हो जाता है के आसपास आता है और इसका वन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा ठीक है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बच्चों इंक्रीज हो रही है तो यहां पर भी वही फैक्ट दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, है बॉन्ड लेंथ तो तो फिर आते हैं बॉन्ड ऑर्डर देखो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्डेड एटम्स इन मॉलिक्यूल समझ गए ना कि एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसमें जो दो एटम एक दूसरे से जुड़े हैं डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर ठीक है जैसे डाई एटोमिक मॉलिक्यूल और आइंस हो जैसे ओ टू एन टू एफ टू एच टू ठीक है या इस तरह से तो ये है अगर हमें इस तरह के मॉलिक्यूल दिखते हैं तो हम इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें तो इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला बता दूं डायरेक्ट कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वन बाई टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम मतलब जिस डाई एटोमिक मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं ना उसके दोनों एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करके टू से डिवाइड कर दो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा जैसे एन टू का निकालोगे तो एन में लास्ट में आएगा टू उससे पहले सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है एन में तो दोनों नाइट्रोजन के इस तरह से 2p3 2p3 दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है बच्चों UPE मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो तीन इसमें है तीन इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाला तीन आया इसका मतलब है दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से होगा फिर O2 माइनस का निकाले तो एक माइनस हम बढ़ा देंगे एक इलेक्ट्रॉन P में बढ़ा दें तो P4 ऑलरेडी होता है ऑक्सीजन का एक बढ़ गया तो P5 तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है और 2p4 में भी इस तरह से दो अन इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5 तो इस तरह से आप डायरेक्ट अगर कोई डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है तो बिना मॉलिक्यूल डायग्राम बनाए आप इस तरह से उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो किस तरह का नेचर रखेगा अगर मल्टी एटोमिक मॉलिक्यूल्स या आइंस हो तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालोगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन स्पीसीज अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जैसे CO3 थ्री इसमें निकालना है 2 टू माइनस में तो चार बॉन्ड दिख रहे हैं और तीन सिग्मा बॉन्ड है तो कुल मिला के इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री सी और ओ के बीच में ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल एक हाइब्रिड बॉन्ड है फिर आता है कि अगर हमें स्टेबिलिटी बतानी है तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ज्यादा दो एटम उतने ज्यादा बॉन्ड से जुड़े होंगे और मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड लेंथ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्जली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ बच्चों कम हो जाती है क्योंकि दो एटम्स के बीच में ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड ठीक है ऑर्डर उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जैसे एन टू ओ टू एफ टू तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का तीन है ऑक्सीजन का दो है फ्लोरीन का एक है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है बच्चों नाइट्रोजन की उससे कम ओ टू की उससे कम एफ टू की. की बात करें तो भी यही ऑर्डर आएगा लेकिन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऑर्डर जैसे जैसे डिक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है बच्चों ठीक है ये पहले भी देख चुके हैं हमें देखना है ओ टू ओ थ्री और ओ टू वन माइनस मीन एच टू ओ टू जैसे में ठीक है ओ टू टू माइनस सॉरी है ना तो O3 का निकालोगे तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स तीन है और सिग्मा बॉन्ड दो है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5 तो O2 O2 उससे कम ओ थ्री में और फिर उससे कम क्या है बच्चों ओ टू में तो ये क्या ऑर्डर दिख रहा है बॉन्ड लेंथ का क्या है बच्चों ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है समझ गए ना ऐसे सीओ सीओ टू सीओ थ्री में देखो सीओ का तीन होता है सीओ टू में निकालोगे दो होगा सीओ थ्री टू में आप देखोगे अभी देखा था आपने चार बॉन्ड थे और तीन सिग्मा तो वन पॉइंट थ्री थ्री तो इस तरह से आपने देखा सीओ से बॉन्ड तो ये जो इसका ऑर्डर लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है बच्चों ये बॉन्ड लेंथ कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ सीओ की उससे ज्यादा सीओ टू की उससे ज्यादा सीओ थ्री इस तरह से ये है बॉन्ड ऑर्डर और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो वहां और भी क्लियर हो जाएगा फिर आता है बॉन्ड एनर्जी तो देखो बच्चों अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप कि एक मोल बॉन्ड अब चाहे वो सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो एक पर्टिकुलर एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे ही हम क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ठीक है तो और इन दो एटम को इस तरह सेपरेट कर दिया जाए कि बिल्कुल फ्री हो जाए गैसियस स्टेट में आ जाए तो वही एनर्जी की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप सो एज टू सेपरेट देम इनटू एटम्स उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी जैसे फ्लोरीन है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है 154.39 किलो जूल पर मोल ठीक है तो एक मोल मतलब एक एफ टू को दो एफ एटम्स में चेंज कर दिया जाए तो इतनी एनर्जी लगेगी तो यही फ्लोरीन की क्या हो गई बच्चों बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन समझ गए ना इस तरह से फिर आता है कि बॉन्ड एनर्जी को अगर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें कैसे पर्टिकुलर बॉन्ड की निकालें तो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएटेड तो एक एवरेज बॉन्ड एनर्जी आएगी बच्चों इसमें क्या आ जाएगी एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्योंकि हर एक बॉन्ड को अलग तोड़ा तो अलग तोड़ा जाए तो एनर्जी अलग अलग आएगी तो हम पूरे मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन में कितनी एनर्जी लगी और टोटल उसमें कितने बॉन्ड्स थे जो डिसोसिएटेड हुए इनका रेशियो कहलाएगी एवरेज बॉन्ड एनर्जी जैसे H2 की है तो इसका तो एक ही बॉन्ड है तो इसमें डिसोसिएशन एनर्जी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उसकी डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होगी जैसे हाइड्रोजन की है फोर थ्री सिक्स किलोजूल पर मोल लेकिन अगर जैसे सी एच फोर जैसा मॉलिक्यूल है मल्टी एटोमिक मॉलिक्यूल है तो ये इस तरह से निकाली जाएगी जैसे सी एच फोर की डिसोसिएशन एनर्जी है ठीक है 6, किलो जूल पर मोल तो एवरेज बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी आप CH हो यह होगी फोर वन सिक्स मतलब चार सी एच बॉन्ड एक एक करके ब्रेक करें तो अलग अलग आएगी लेकिन एवरेज रूप से इस तरह से वैल्यू होगी अब आता है फैक्टर ऑफ एक्टिंग तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर मीन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर यह है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्यों क्योंकि अभी आपने देखे इनके बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का तीन है ऑक्सीजन का दो है फ्लोरीन का एक है इनमें तो डायरेक्ट दिख ही रहे हैं ठीक है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस कैरेक्टर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसमें उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी जैसे यहां पर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू फाइव है इसमें देखोगे टू पॉइंट सेवन फाइव है और इसमें टू पॉइंट फाइव है तो जहां एस करेक्टर ज्यादा है वहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वहां पर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा और यही रीजन है कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी जबकि डबली बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन की कम आएगी और उससे भी कम होगी एल्केन में समझ गए ना तो एक तो ये है <laughs> बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर रिपलसन मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे कार्बन कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं होता लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में देखें तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर फ्लोरिन जैसे में तीन तीन लोन पेयर तो ज्यादा लोन पेयर होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा और ऐसे में बॉन्ड जल्दी क्या हो जाएगा बच्चों ब्रेक हो जाएगा जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है जैसे हम यहां एक्सेप्शन देख सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन सबसे छोटा है साइज में तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी लेकिन साइज छोटी और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इतना रिपल्सन होता है फ्लोरीन का कि वो क्लोरीन और ब्रोमीन से रिपल्सन कम होने से थोड़ा ज़्यादा है बिल्कुल सेम इसी तरह का ऑर्डर आपको कहा मिलता है दिखाई है ऑक्सीजन ग्रुप में आप देख रहे हैं पहला मेंबर थर्ड में आ रहा है जैसे हेलोजन में थर्ड में आ रहा है इस तरह से बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड पोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा उनमें अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन हो ज्यादा होगा तो उन्हें ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी यहां तक बात क्लियर है फिर हम आ जाते हैं बॉन्ड एंगल देखो बच्चों बॉन्ड एंगल मतलब मॉलिक्यूल के दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल ये कहलाता है बॉन्ड एंगल मतलब एवरेज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल जैसे ये है ये बॉन्ड एंगल जैसे वाटर में ये है बॉन्ड एंगल थीटा

तो बॉन्ड एंगल ओ गलत लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों ये कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन ठीक है तो लोन पेयर रिपल्सन नो नो सही लिखा था यार ये गलत लिख दिया ठीक है तो ये है कि वन अपॉन लोन पेयर रिपल्सन लोन पेयर रिपल्सन अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है बच्चों क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबा देते हैं जैसे CH4 में देखो आप 109 डिग्री 28 मिनट का है। अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया तो और दो डिग्री H2O में देखो और नीचे चला गया तो लोन पेयर तो अगर आप हम देखें सीएच में तो केवल बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है अमोनिया में चले जाओ तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है इसमें लोन पेयर लोन पेयर भी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर भी है तो सारे रिपल्सन मिलकर बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करते हैं। अगर सेंट इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम लेस देन बॉन्डेड एटम समझ गए बच्चों कि एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन बनती है कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है और अगर इसका उल्टा होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है और बॉन्डेड एटम की कम है तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फिर से सुने अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और बॉन्डेड एटम की ज्यादा है तो सेंट्रल एटम में पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और बॉन्डेड एटम की कम है तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा जैसे एन टू ओ में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाली आपने एच ओ का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कितनी आई 2.5 तो हम इसे 3.0 मान लेंगे क्यों क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है ऑक्सीजन की तो इसका मतलब है यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एन टू में एस टू अगर हम सी एस थ्री की बात करें तो थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है तो इसमें हम नीचे जाएंगे क्यों क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ऐसे में यहां पर भी थ्री रह जाएगा और ये हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी टू ठीक है तो इस तरह से ये वी सेफ हो जाएगा जबकि ये ट्राइगोनल प्लानर होगा ओके और यहां पर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होगा ठीक इसी तरह से एनओ टू प्लस एनओ और एनओ टू माइनस में निकाल के देखो बॉन्ड एंगल किसका कितना है तो अगर हम एनओ टू में जाएं तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन है एनओ टू में जाएं तो एस पी टू और एनओ टू माइनस में जा रहे हैं तो एस पी थ्री आ रहा है सॉरी एस पी टू आ रहा है यहां भी एस पी टू यहां भी एस पी टू लेकिन अगर आप यहां देखें तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया अब यहां पर एस पी टू हाइब्रिड में एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जबकि यहां पर क्या बच्चों लोन पेयर है तो ऑड इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्सन नहीं करेगा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा देन यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा और यही रीजन है कि इसका बॉन्ड एंगल है 134 डिग्री तो इसका है 115 डिग्री तो जबकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोनों में तो इस तरह से हम ये कहें कि NO2 NO2 ठीक है ये है NO2 एनओ टू और एन ओ टू माइनस में बॉन्ड एंगल का यहां पर पहले इन दोनों का देखो आप जैसे हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालें एसपी थ्री निकलेगा इसमें भी निकालें एसपी थ्री निकलेगा इसमें भी निकालें एसपी थ्री क्यों क्योंकि इनमें ऑक्सीजन

सी एल ओ टू में लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर ठीक है किसके रिस्पेक्ट में लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन ऐसे में क्या होगा कि इन दोनों में देखो आप सी एल ओ टू माइनस और सी एल ओ टू में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा दिख रहा है आपको वाले में, जिसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है 117 का बाकी यहां पर अब चले जाएं तो यहां पर क्लोरीन के बीच में स्टैरिक रिपल्सन लगता है और ध्यान रखें स्टैरिक रिपल्सन मोर डोमिनेंट देन लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन और यही रीजन है कि इसका बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं कि अगर हम इस पहले वाले को और इसमें कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर रिपलसन थोड़ा ज्यादा हो गया और यही कारण कि 111 डिग्री के बीच में पहुंच गया तो यहां ऑक्सीजन के बीच में उतना रिपल्सन नहीं लग रहा यहां लग रहा दूसरा, है दूसरा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है यहाँ क्लोरीन सेंट्रल आइटम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है तो हम जानते हैं बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो यही रीजन है कि ये ऑर्डर दिखाई देता है अगर सेंट्रल एटम बदल रहा है या बॉन्डेड एटम बदल रहा है तो यहां ध्यान रखें बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम जैसे एन एच थ्री पी एच थ्री एस एच थ्री में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है एन थ्री से लेके एन थ्री तक चलोगे तो फ्लोरिन से ज्यादा मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो इस तरह का ऑर्डर दिखाई देता है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इनको आप एक अच्छी तरह से पढ़ोगे एक बार सुनोगे तो पूरा क्लियर होगा ठीक है बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे बच्चों